हेलो ब्रो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सगा। जो 4th ऑफ दिसंबर 2023 बजट के दौरान हम लोग निर्मला कैंडल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज ये बनी है मोदी कैंडल। व्हाट अ मैसिव रैली टुडे दोस्तों। मार्केट गैप अप ओपन ही 1000 पॉइंट के आसपास हुआ था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्लोज हुआ था 44,800 के आसपास। मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट क्लोज टू 45,800 और वहां से दोस्तों मार्केट ने ज़्यादा आपको एंट्री करने के मौके दिए ही नहीं होंगे। अगर आप देखें तो बैक टू बैक मार्केट पॉज फॉर 1 आवर और उसके बाद बैक टू बैक देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल रेड कैंडल या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट जहां पर आपको दिखाई पड़ा हो। मार्केट वॉज इन बुलिश मोड सिंस मॉर्निंग और उसके बाद तो शॉर्ट कवरिंग इतनी एक्सटेंसिव होती हुई दिखाई पड़ी। इनफैक्ट 46,000 के लेवल पे भी सॉलिड शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई पड़ी और अल्टीमेटली मार्केट क्लोज हुआ 46,500, ऑलमोस्ट क्लोज टू 46,500 के आसपास। और उसके पीछे का सिर्फ रीजन क्या है दोस्तों, मैसिव बाइंग फ्रॉम FIIs एंड DIIs बोथ। दोस्तों पिछले करीब एक हफ्ते से हम लोग लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं कि FIIs वापस बाइंग करना शुरू कर चुके हैं। FIIs बाइंग शुरू कर चुके हैं, मार्केट में आपको बड़ा मोमेंटम दिखाई पड़ेगा, मार्केट में एक बड़ी तेजी दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट निफ्टी वीकली व्यू में मैंने आपको ये तक बता दिया था। इनफैक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भविष्यवाणी करता हूँ, बट आई हैड डिस्कस विद यू कि चाहे कांग्रेस आए चाहे BJP आए, वी आर नॉट मच कंसर्न। हम लोग को जो चीज़ पता होनी चाहिए, जो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी वेरी बिग मूव। और अल्टीमेटली हुआ क्या, आज के दिन FIIs ने बाइंग करी है 2000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स के। FIIs की बाइंग से डबल, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा DIIs ने बाइंग करी है 4800 करोड़ की। FIIs की बाइंग है मात्र 2073 करोड़। तो आप खुद समझ लीजिए दोस्तों कि कितनी मैसिव बाइंग हुई है आज के दिन। और जिन स्टॉक्स में मैसिव बाइंग हुई है वो सारे के सारे स्टॉक्स आज आपको मिड कैप, स्मॉल कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, वो स्टॉक आज आपको बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। मेजरली दोस्तों स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि और कौन से सेगमेंट के स्टॉक्स हैं दोस्तों, उसमें अडानी ग्रुप के भी स्टॉक्स हैं जिनमें की अच्छी बाइंग हुई है। बट लेट मी टेल यू, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, करनी चाहिए कि अडानी ग्रुप में आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है ऑन दी हायर लेवल्स। चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। निफ्टी 50 में दोस्तों आज के दिन 418 पॉइंट्स की तेजी थी, 2% की तेजी। निफ्टी बैंक मैसिव 3.5% से भी ज्यादा की तेजी, 1600 पॉइंट्स की तेजी आपको दिखाई पड़ी। मार्केट वॉज वेरी फेरोशियस टुडे। अगर आपने आज कॉल बाय किया है तो मतलब आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो फिर आज के दिन आपने साइड में रहे होंगे। अब जैसे कि दोस्तों मैं तकरीबन 1 बजे के आसपास तक साइड लाइन में रहा क्योंकि मार्केट वॉज लुकिंग इन रेंज बाउंड 11 o'clock। और उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि भाई जब 46,000 के लेवल्स ब्रीच हो गए तो मुझे समझ में आ गया कि भैया यहां से मार्केट रुकने वाली नहीं है। और मैंने इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि मैसिव शॉर्ट कवरिंग इज गोइंग टू हैपन और अल्टीमेटली वही हुआ। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग जिस लेवल पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है वो है 20,700 और अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 20,800 से भी ऊपर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से मार्केट में बायंसी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में ज्यादा कोई खास एक्शन नहीं हो रहा, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें ओवरऑल मार्केट्स आर लुकिंग स्टिल वेरी पॉजिटिव। किन स्टॉक्स में बाइंग हुई है दोस्तों, जिन स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट्स आए थे ऑटो सेल नंबर्स के, ऑटो सेल्स नंबर्स के, जैसे कि आयशा मोटर्स। और हमने डिस्कस भी किया था कि आयशा मोटर्स की रॉयल एनफील्ड की सेल्स के नंबर अच्छे हैं, मॉर्निंग अपडेट में भी डिस्कस किया था। अडानी है दोस्तों, यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स क्यों ऊपर गए हैं, मोदी जी की इतनी शानदार विक्ट्री और अडानी साहब के स्टॉक ऊपर ना जाएं। इसमें इनफैक्ट कहीं ना कहीं रिलायंस भी होना चाहिए था, बट रिलायंस होता दोस्तों आज निफ्टी 50 कम से कम 700 पॉइंट ऊपर चला जाता। बट एनीवे, BPCL, ICICI बैंक टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, HDFC लाइफ मात्र 1% डाउन था, बाकी कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो आज ज्यादा गिरा ही नहीं हुआ था। जो स्टॉक थोड़े मोड़े गिरे थे वो सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हैं। लास्ट एक हफ्ते में जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा बम फटा है वो है अडानी एंटरप्राइजेस। देखें दोस्तों तो 9% के आसपास की तेजी हमें दिखाई पड़ रही है। क्यूमुलेटिव देखेंगे तो दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी करीब 20% के आसपास राइज कर चुका है इन जस्ट 15 डेज। ये एक हफ्ते का डाटा है, 15 दिन का डाटा उठाएंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस 20-22% के आसपास ऊपर हो चुका है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट अडानी पोर्ट्स लास्ट एक हफ्ते में 6% के आसपास ऊपर है। PSU स्टॉक में दोस्तों हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक IOCL एंड HPCL पे आपकी नजर होनी
चाहिए। HPCL तो दोस्तों आज 9% ऊपर था, इनफैक्ट HPCL हमने अपने मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको दोस्तों हमारे और क्लोज आना है, इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9707531979 पर आ सकते हैं, सो यू कैन बिकम आर मेंबर, जहां पर आपको हमारे क्लोज ट्रेड्स, हम लोग क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजी है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लर्न भी करें, ऑफ कोर्स आप अर्न भी करें और लर्न भी करें, दैट्स द एम ऑफ एसोसिएटिंग विद अस। दोस्तों बात करें हम लोग टॉप लूजर्स की, टॉप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स की। सो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में लास्ट एक हफ्ते में है मारुति, जो कि अच्छा खासा राइज कर चुके थे अभी रिसेंटली, डीवीएस लैब, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले इंडिया एंड रिलायंस फॉर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स इन लास्ट वन वीक। दोस्तों बात करें मार्केट क्या एक्यूमेट कर रही है, दोस्तों ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्केट एक्यूमेट कर रही है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक के चार्ट को आपको स्टडी करना चाहिए और आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को आपको स्टडी करना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू स्टडी दी चार्ट ऑफ एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, मैं आपको काफी दिनों से बोल रहा हूँ दोस्तों। अच्छा वन मोर, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसको आप मिस नहीं कर सकते। सो दीज आर दी थ्री स्टॉक्स जिसको कि आपको स्टडी करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों इन स्टॉक्स में काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद इनमें ऑलरेडी गियर लग चुका है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में हमने बात करी, निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई है 20,686 पे। अगर आप देखें तो एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई थी 20,250 पे। और हमने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था कि मार्केट में जिस प्रकार का मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, निफ्टी 50 ने ऑलरेडी अपने हाइस के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये क्लियर कट ये डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट विल ओपन पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिविटी विल कंटिन्यू। अब दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी थी। हाँ मुझे लग रहा था 200 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग हो सकती है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 20,400 20,450 के आसपास की ओपनिंग। मार्केट ने दोस्तों ओपनिंग दी 20,500 के ऊपर। अब दोस्तों 20,500 के ऊपर मतलब 20,500 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी थी, वो सारे के शॉर्ट, जो शॉर्ट पोजीशन वाले थे, वो सारे के सारे ट्रैप होते हुए दिखाई पड़े। अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर किया, एग्जिट किया, और मार्केट में आपको मैसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। बस दुख सिर्फ एक चीज़ का है दोस्तों, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप बन गया है। अब गैप अप होने की वजह से, छोटा मोटा गैप अप होता तो भी नज़रअंदाज कर देती थी मार्केट, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया है, तो इतने बड़े गैप को फिल करने के लिए मार्केट दोबारा आपको 20,200 के आसपास आती हुई दिखाई पड़ेगी विद इन ड्यू कोर्स ऑफ कपल ऑफ डेज, मे बी 5-6 दिनों के बाद मार्केट विल स्टार्ट टू रीट्रेस। अभी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा रीट्रेस करेगी, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना। अब आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये ऊपर ही कारवां चलता जाएगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, इट डजंट हैपन दैट वे, इस तरह से होता नहीं है। दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, जो चीज़ पॉजिटिव है, जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, लास्ट वीक में फ्राइडे में जो चीज़ हम लोगों ने निफ्टी 50 में डिस्कस करी थी, वही चीज़ हमको यहाँ पर निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक हैज़ गिवन दी क्लोजिंग अबव इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स, दैट इज 46,300। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब क्या है, कि भाई मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है और अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुई है, तो ये पॉजिटिविटी थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। बस दुख एक ही बात का है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है 1,000 पॉइंट का, 1,000 नहीं तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 800 पॉइंट का तो है ही, तो ये जो 800 पॉइंट का गैप है, इसको मार्केट फिल कर सकती है दोस्तों। ये एक थोड़ा सा दुखदायी चीज़ है, कि हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस से रीट्रेस कर जाए, जस्ट बिकॉज इट हैज़ टू फिल दिस गैप, तो ये एक दुविधा बनी हुई है। बाकी तो पूरे के पूरे रुझान बुलिश ही दिखाई पड़ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो इज 1.68, जो कि बताता है मैसिव पुट राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। अच्छा हम लोग डाटा देखें कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है दिखाई पड़ रही है, वो है क्लोज टू 47,000। इसके अलावा दोस्तों 46,500 पे कुछ कॉल राइटर्स अभी भी हैं, मतलब उनको लगता है कि मार्केट अभी 46,500 के नीचे आएगी, तभी उन्होंने कॉल राइटिंग की पोजिशन बना ली। और कुछ हद तक कुछ कॉल राइटर्स 46,000 के लेवल पे भी फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। तो मार्केट अगर आपको थोड़ा सा रिट्रेस होती हुई दिखाई पड़ती है 400-500 पॉइंट, आपको सरप्राइज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस पूरी तरह से शॉर्ट कवर नहीं किए हैं। अब दोस्तों ये शॉर्ट और भी बुरी तरह से कवर होंगे अगर 47,000 के लेवल्स ब्रीच कर जाते हैं तो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों मार्केट विल रिट्रेस, दिस इज व्हाट आई फील। निफ्टी 50 के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी 50 में भी अगर आप देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को पूरी तरह से वाइंड अप नहीं किया है। अगर आप देखें तो 20,500 पे अभी भी कॉल राइटर्स ने पोजीशंस जमा करके रखी हुई है, अपनी पोजीशंस को काटा नहीं है। सो 20,500 तक या फिर उसके नीचे मार्केट अगर जाती है, सरप्राइज नहीं होना,
ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब मार्केट ज़्यादा ओवरली बुलिश हो जाए, पहली चीज़ तो गैप अप ओपनिंग हो गई, तो आज ही अगर गैप अप पूरा गैप फिल करके ऊपर जाती या फिर कुछ हद तक तो गैप फिल करती, मार्केट ने गैप फिल करने की कोशिश ही नहीं की, मार्केट ओपन गैप अप एंड देयर आफ्टर इट स्टार्टेड गो अप, तो दैट्स अ स्लाइटली ओवर बुलिश साइन, ओवर बॉट साइन, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों कुछ स्टॉक से बारे में बात करते हैं जिसमें कि आपका बड़ा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि एक स्टॉक है गुलशन पॉलीकॉल्स। अब दोस्तों गुलशन पॉलीकॉल्स में बड़ी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ये इथेनॉल सप्लाई करेंगे, और दोस्तों छोटा मोटा नहीं, 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो आप समझ सकते हैं किस ज़बरदस्त, और कोई छोटी मोटी कंपनीज़ नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL को इथेनॉल प्रोवाइड करेंगे, और 89,404 किलो लीटर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 223, अगर ये स्टॉक यहाँ से दोस्तों कम से कम 20-25% की अपसाइड आपको देख करता हुआ दिखाई पड़ता है, स्टॉक क्लोजेस अबव 270-280 इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मेरे कहने से किसी स्टॉक को आपको बाय नहीं करना, माई जॉब इज टू एजुकेट यू, टू इन्फॉर्म यू, टू टीच यू, सो जब भी लेना है, बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ड्यू रिसर्च करके, फाइनेंस से डिस्कस करके, जिस पे भी आपको कॉन्फिडेंस है उससे बात करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों अडानी ग्रीन। मैंने आपको क्या बोला था कि अडानी ग्रीन कहाँ गया, अडानी ग्रीन कि आज के दिन स्टॉक में, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, अगर आप देखें तो अडानी ग्रीन वेंट एज हाई एज 1180 1200 के आसपास तक पहुंच गया था, वहां से वो नीचे क्लोज हुआ, मतलब क्या है, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हुई है। अडानी ग्रीन दोस्तों बड़ी न्यूज़ ये है कि वो अडानी ग्रीन बहुत ही जल्दी 3 गीगावाट की कैपेसिटी के अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने वाला है, बाय 2025 5 गीगावाट का कैपेसिटी करेगा अपना, और $3 बिलियन की केपेक्स भी प्लान कर रहे हैं, 1.5 बिलियन डॉलर का केपेक्स प्लान करेंगे 2024 में, और 2025 में $3 बिलियन का केपेक्स प्लान करेंगे, तो बहुत ही अग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, स्टॉक भी बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक भी बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही हाई पी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दोस्तों मार्केट क्या करती है, मार्केट टाइम से प्रॉफिट भी बुक करती चलती है, आज स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने प्रॉफिट को बुक किया है। अब दोस्तों अगर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बढ़ेंगे तो फिर कंपटीशन किस पे आएगा, कंपटीशन आएगा उनके कॉम्पिटिटर्स पे, जैसे कि SBLOG इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पोर्ट्स के बिजनेस में है। अब BJP गवर्नमेंट बनी है तो अडानी पोर्ट में पॉजिटिविटी थी, तो SBLOG इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की गई, स्टॉक ओपन गैप अप, स्टॉक पॉजिटिव ही ओपन हुआ था, स्टॉक ओपन हुआ करीब 225-228 के आसपास, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, क्लोजिंग हुआ है 218 के आसपास। दोस्तों ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, एज अ डिस्क्लेमर, इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक को लेकर के, और मैं इसको लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हूं। पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर परचेज एग्रीमेंट, बल्कि कंपनी एक्वायर कर रही है 50% एक्विजिशन ऑफ PNP मैरीटाइम सर्विसेज। दोस्तों मैरीटाइम सर्विसेज पोर्ट बिजनेस है, बेसिकली पोर्ट मेंटेनेंस का काम करते हैं, पोर्ट अपग्रेडेशन का काम करते हैं, तो दोस्तों ये बेसिकली दे आर एक्वायरिंग दिस कंपनी फॉर देयर ओन कैपेसिटी इन्हांसमेंट एंड देयर इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जो ये PNP मैरीटाइम सर्विसेज है, ये कंपनी का सब्सिडियरी हो जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इस तरह के बिजनेस को एक्वायर करने से कंपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए और इन्हांस करती है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन दोस्तों मार्केट को क्या लगता है, अब इसका जो एक्विजिशन का कॉस्ट है वो है $2.7 बिलियन। अब सिंपल सी चीज़ है कि $2.7 बिलियन। सो 2.7 बिलियन रुपीज़ का मतलब हो गया 2700 करोड़, तो इसका ये एक बड़ा अमाउंट है जो कि मार्केट को लगता है कि इतना बड़ा पैसा कंपनी बैलेंस शीट से चला जाएगा। सो जब कभी भी कोई केपेक्स होता है तो मार्केट उसको थोड़ा सा स्केप्टिकल लेती है कि इस कैपिटल को कंपनी सही तरह से यूज कर पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द कंपनी, बट अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है होनासा कंज्यूमर्स। होनासा कंज्यूमर मतलब मामा अर्थ। मामा अर्थ में प्रॉफिट बुकिंग लगातार चल रही है, स्टॉक वेंट टू एज हाई एज 480, स्टॉक को किया गया पंप और उसके बाद किया गया डंप, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक 100 पॉइंट मतलब 20% गिर चुका है आफ्टर इट्स रिजल्ट्स। अच्छा, अभी कल के दिन फिर से ब्लॉक डील है जिसमें कि फायर साइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी से 1.9% का स्टेक, दैट इज 61 लाख शेयर्स को सेल करेगा। मतलब आप समझ लीजिए कितना भयंकर कल के दिन ब्लॉक डील होने वाली है, और जो ऑफर प्राइस है वो है 2368 to 384। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 384 के आसपास, तो
अगर स्टॉक गिरता है तो आपको सरप्राइज नहीं हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी किसी स्टॉक में ब्लॉक डील के बाद में एक बाइंग क्रिएट होती है, मतलब स्टॉक में जो डिमांड है दैट इज़ मोर। जैसे कि आज के दिन कैम्प्स में हुआ, तो आपने आई एम श्योर देखा होगा कैम्प्स किस तरीके से रॉकेट, और कैम्प्स और CDSLE दोनों के दोनों हमारे पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट देम फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। लेकिन दोस्तों अडानी पोर्ट एक ऐसा शेयर है जिसको कि आपको अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको टाइम एंड अगेन रिपीट करता रहा हूं कि अडानी पोर्ट इज द बेस्ट स्टॉक ऑफ अडानी ग्रुप। आज के दिन दोस्तों कंपनी के कुछ नंबर्स आए हैं वॉल्यूम्स के, पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का जो नवंबर का वॉल्यूम है पिछले साल के कंपैरिजन में 35% बढ़ा है। मतलब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है 35% पिछले साल से ग्रो हुआ है। मतलब पिछले साल अगर 100 मतलब एक रफ एस्टिमेट लें तो 100 MT पिछले साल होता था, तो अब की हो गया 135। क्या सॉलिड ग्रोथ है, मतलब 36 MT का ग्रोथ हुआ है। और उनका ऐसा मानना यह है कि जो ये ग्रोथ है इस प्रकार से जिस प्रकार से चल रही है वही कंटिन्यू रहेगा। दे आर एक्सपेक्टिंग हाइफा कराईकाल ये इसी प्रकार की 35% की ग्रोथ की वॉल्यूम्स, क्योंकि जो कि हाइफा कराईकाल इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है, 35% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सभी में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल वॉल्यूम पिछले साल के कंपैरिजन में 21% बढ़ी है, तो बहुत ही सॉलिड दोस्तों कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बेट कर सकते हैं। मेरे पास अडानी पोर्ट भी है और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ेंगे। दोस्तों इंडिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रूट क्या है, रूट है पोर्ट, पोर्ट के अलावा और कोई रूट है नहीं। हवा से उड़ के तो कोई सामान आएगा नहीं, एयर के कार्गोज इतने कॉस्टली हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश इन दिस एंटायर सेक्टर। लास्ट एक और स्टॉक है दोस्तों जिसको कि मैं चाहता हूं कि आप स्टडी करें, स्टॉक का नाम है AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, जिसको कि आज 270 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है, 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कंपनी की मार्केट कैप है 1300 करोड़। तो आप समझ लीजिए जितना मार्केट कैप है उसका 20% से भी ज़्यादा का आपको मार्केट कैप का ऑर्डर मिला है। मतलब मार्केट कैप है 1300, 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 92 के प्राइस पे। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं और कंसोलिडेट करे, एक्वायर करने एक्विजिशन करने का या फिर आप कह सकते हैं खरीदने का मौका मिलेगा आपको। स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 92.45 के आसपास, बड़ा मूवमेंट होगा जब स्टॉक अपने 100 के जो लेवल है क्रूशियल लेवल है इससे ब्रेकआउट करेगा। तो स्टडी करिए दोस्तों स्टॉक में, अगर आपको दम लगता है इन्वेस्ट करें। इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट 9707531979 व्हाट्सएप एंड यू कैन लर्न, यू कैन बी पार्ट ऑफ आर फैमिली, यू कैन ज्वाइन आर ग्रुप्स एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, स्टेप आपको लेना पड़ेगा। बाय।